रुद्रपुर के गांधी पार्क के पास समोसा मार्केट के 4 दुकानों में लगी आग। फतेहपुर में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर मौत और एक हुआ घायल। नोटबंदी के 18वें दिन भी रुद्रपुर में लोगों की परेशानी नहीं हुई कम। उधमसिंह नगर में सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक। रुद्रपुर के गांधी पार्क के पास समोसा मार्केट के 4 दुकानों में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। इस आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति झुलस गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। आग लगने से गैस सिलेंडर फट गया। देखते ही देखते आग ने बगल में ट्रेवल्स एजेंसी और हेयर ड्रेसर की दुकान को भी चपेट में ले लिया और दुकान के बाहर खड़ी एक बाइक भी आग में जलकर राख हो गई। सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। काफी कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तब तक तीनों दुकानों का सारा सामान जल चुका था। आग लगने से 4 दुकानों में लगभग 10 लाख रुपए के नुकसान की संभावना बताई जा रही है। देखिए, अभी आज की रात को लगभग 2:30 बजे यहाँ पर सिलेंडर की वजह से यहाँ पर हमारे जो दुकानदार हैं, जो समोसे का काम करते हैं, वो यहाँ पर रात को आलू उबाल रहे थे। अचानक किसी तरह से आग लग गई और लगभग हमारे 10-12 लाख रुपए का हमारे 4 व्यापारियों नुकसान हुआ। दुकान पूरी तरह जल गई है। हमारे व्यापारी बिल्कुल सड़क पर आ गए। ये मार्केट भी ऐसी ही, हमारे जो जो छोटे व्यापारी हैं वो लोग रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, तो आज इन लोगों का सब कुछ उजड़ गया। बेचारे सब लोग सड़कों पर आ गए। अभी हम लोगों ने SDM से बात करी है, पटवारी से बात करी है और आज मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। हम लोगों ने व्यापार मंडल ने तय करा कि इन लोगों को अधिक से अधिक मुआवजा दिलाएंगे और कोशिश ये रहेगी मुख्यमंत्री को मौका मुआयना भी करवाएं कि हमारे इन लोगों को कम से कम अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके। लगभग 10-12 लाख रुपए का हमारे इन व्यापारी नुकसान हुआ है। काफ़ी कुछ जल गया है। एक व्यापारी की तो मोटरसाइकिल तक जल गई इसके अंदर और जो नकद भी था वो भी नकदी भी जली इसके अंदर, तो बहुत सारा नुकसान इन लोगों का हो गया। सिलेंडर से आग लगी है और आलू उबाल रहा था उस टाइम ही हो गया। क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, एकदम आग लग गई, सिलेंडर भी फट गया और पूरा सामान जो घर में उसमें दुकान में था सब जल गया। कम से कम नहीं तो 10-12 लाख का नुकसान हुआ 4 दुकानों में। और अंदर उनको चोट भी लगी, उनको हाथ जल गए उनके और सिर में भी आग लगी है थोड़ी सी। आग लगने की सूचना लगभग प्रातः 3 बजे प्राप्त हुई। घटनास्थल के लिए 2 फायर टेंडर रवाना किए गए। जैसे ही पहले फायर टेंडर ने फायर फाइटिंग का कार्य आरम्भ किया, वहाँ पर इलेक्ट्रिक आपूर्ति जारी थी। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के माध्यम से इलेक्ट्रिक बंद करवाई गई, उसके बाद फायर फाइटिंग किया गया और उसमें 3 दुकानें पूरी तरह से जल गई। 4थी दुकान को बचा लिया गया, आंशिक रूप से क्षति हुई है। उसमें एक LPG सिलेंडर रखा हुआ था जो नष्ट हो गया और आग से हुई क्षति का उनसे आकलन करके उनसे क्षति मांगी गई है, जो दुकान के मालिकान थे। एक आदमी झुलस गया था सिलेंडर से, जब आग लगी तेज़ी से तो बाहर निकलने में आंशिक रूप से हाथ वाथ हल्के से झुलस गए थे, जिसको 108 अस्पताल ले गए। तेज गति से आ रहे कंटेनर एवं सामने की ओर से आ रही मोटरसाइकिल की आमने सामने की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की कंटेनर के नीचे आने से मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक को मामूली चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार सायं करीब 6 बजे भूला कॉलोनी निवासी वसीम, 18 वर्षीय पुत्र असगर, अपने एक अन्य साथी के साथ अपनी हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से काशीपुर रोड से गदरपुर की ओर आ रहा था। तभी राजकीय इंटर कॉलेज के समीप पहुंचने पर रुद्रपुर की तरफ से तेज गति से आ रहे कंटेनर के साथ अचानक आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसके फलस्वरूप वसीम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी मामूली रूप से घायल हो गया है। सूचना प्राप्त हुई थी, पुलिस को तो तुरंत पहुंचे। इंटर कॉलेज गुलरमोर के गदरपुर के सामने एक ट्रैक्टर के नीचे बाइक आ गई थी, तो उसमें जो चालक था या आगे बैठा था उसकी मृत्यु हो गई। उसका नाम वसीम अली सन ऑफ असगर अली, उम्र 20 वर्ष,
की है और ये भोला कॉलोनी जो है वहाँ के निवासी है। ट्रक ड्राइवर तुरंत मौके से फरार हो गया है, ट्रक को हमने कब्जे में ले लिया और आगे की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो की जा रही हैं। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है और जो ट्रक ड्राइवर के खिलाफ, उसके मालिक के खिलाफ जो उचित अभियोग हैं उनके खिलाफ दर्ज होंगे। नोटबंदी के 18वें दिन भी रुद्रपुर में लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। हालांकि मुद्रा विनिमय बंद होने के कारण भीड़ घटी रही, मगर आज शनिवार और कल रविवार को बैंक्स की छुट्टी होने के कारण लोग एटीएम मशीनों पर उमड़ रहे हैं। यहां भी कई जगह एटीएम में पैसा खत्म होने की शिकायतें आ रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार के आदेश के बाद सभी एटीएम मशीनों को रुद्रपुर में रिकैलिब्रेट कर दिया गया है, मगर 100 के नोट न होने के कारण लोगों को 2000 के नोट ही एटीएम से मिल रहे हैं, जिसके कारण उनकी समस्या फिलहाल बनी हुई है। देख के इसमें कि सैटरडे संडे आ रहा है, बीच में प्रॉब्लम तो होगी, बाकी सारे बैंक बंद पड़े हैं। यहाँ पर भी 1.5 घंटे से खड़े हैं लाइन पर, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो भी कैसे आ रहा है कभी पता नहीं है, वहाँ से भी आएगा कि नहीं आएगा, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर भी पानियों का सामना सर ऐसे करना पड़ रहा है कि 2 दिन से भटक रहा है, जो कि कल भी हमारे केस नहीं मिला, हमें एटीएम में लगे लगे जो है कि सर वापस जाना पड़ा और आज भी हम सुबह से यहाँ भटक रहे हैं और हम जो है कि 10 बजे जगह जा चुके हैं और जहाँ जा रहे हैं वहाँ कई जगह हम जो है लाइन पर खड़े रहे हैं, वहाँ कम से कम 4 घंटे लगा रहे हैं। वहाँ जब हमारा नंबर आया तो सर केस खत्म हो गया और साफ है यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है और अभी तक कोई केस का कोई मिलने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। और यहाँ ऐसी है, जब तक कब तक क्या होता है, कब तक समाधान समस्या है, सर निवारण नहीं होता तब तक हमारा कैसे भला हो सर। यहाँ सर परेशानी है सर, घर बच्चे छोड़ करके आके जो है परेशान होते हैं सर। तो देखो सभी को आ रही है परेशानी, तो देखो सबको है ही, लाइन में खड़े हैं, अपना ड्यूटी छोड़ के लाइन में लगे हुए हैं, काम धंधा छोड़ के निकल भी रहा है तो 2000 रुपये निकल रहा है, रोज लाइन पे लगना पड़ रहा है। उधमसिंह नगर में सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए डीएम चंद्रेश कुमार यादव ने परिवहन विभाग व जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर हर माह प्रत्येक तहसील क्षेत्रांतर्गत संयुक्त अभियान चलाकर वाहनों की चेकिंग की जाए, साथ ही वाहन चेकिंग हेतु चलाए गए संयुक्त अभियान की मासिक रिपोर्ट तहसीलवार प्रस्तुत की जाए, ताकि प्रत्येक तहसील क्षेत्रांतर्गत चलाए गए संयुक्त अभियान में पुलिस एवं राजस्व विभाग की सहभागिता का पता चल सके और यातायात नियमों का पालन हो सके, इससे सड़क दुर्घटना में काफ़ी कमी आएगी। आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में विशेष रूप से फोकस रहा अतिक्रमण हटाने पर, फुटपाथ को खाली कराने पर और सड़कों को ट्रैफिक के योग्य बनाने पर चर्चा की गई। यहाँ पर एक क्षेत्रीय ट्रेनिंग स्कूल खोला जाना है, उसके बारे में भूमि उपलब्ध कराने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ऑटोमेटेड ट्रैक की आवश्यकता है इस जनपद में, जो अभी तक चिन्हित नहीं हुआ है, नहीं बन पाया है, उस पर भी कार्रवाई आगे बढ़ाने की बात कही गई है। ओवरऑल सड़क सुरक्षा सप्ताह की बैठक क्वार्टरली बेसिस पर इसीलिए की जाती है कि लोगों को सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सड़कों को ट्रैफिक योग्य बनाया जाए और उस पर आज विचार विमर्श किया गया है।